वा बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, सिक्स पार्ट को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से. Thank तो पहले ये जानना चाहिए कैसा रिस्पांस मिल रहा है, अब क्या क्या कमेंट्स मिला है, कोई यूनिक कमेंट्स अब तक मिले हैं? यार कमेंट्स ऊपर पढ़ के हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं ऑनेस्टली, बिकॉज लोग इतना खुल के अपने अपनी ज़िंदगी बयान कर रहे हैं. पहली बार कमेंट्स में मैंने देखा है कि लोग हमें लिख रहे हैं कि हम भी इसी यू नो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. और किसी ने लिखा कि मेरे डैड की डेथ हो गई थी अभी फ्यू डेज बिफोर और मैं इतना डिप्रेशन में था, आपकी वीडियो देख के मुझे जान में जान आ गई. किसी ने लिखा यू नो आई वॉज़ रियली सफरिंग फ्रॉम माई मदर्स डेथ एंड आई वॉज़ रियली डिप्रेस्ड एंड व्हेन आई सॉ दिस वीडियो यू गेव मी लाइफ. पीपल आर राइटिंग थिंग्स दैट यू गेव मी लाइफ इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज क्या आप सबसे बड़ा किसी को दे सकते हो एज अ ह्यूमन बींग एक तोहफा? अगर आप किसी को जीने की होप दे सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि होप अगर नहीं होती लाइफ में तो कुछ नहीं होता. सो अगर मेरे फिल्म बनाने से या मेरे जज्बात जाहिर करने से किसी को होप मिलती है तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कोई हो और है ही नहीं. तो आई एम रियली रियली ओवरवेल्म एक्चुअली विथ सो मच लव. हमने जैसे कि आपने कहा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आपके सिक्स पार्ट इज बेस्ड ऑन डिप्रेशन. तो हमने देखा, बहुत जन ने कहा है कि आप मतलब कैरेक्टर के अंदर इतने घुस चुके थे कि मींस ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मींस आप एक्ट कर रहे हैं, रियल लाइफ जी रहे. तो हम क्या कह सकते हैं कि यू हैव आल्सो गॉन थ्रू द डिप्रेशन, सो वाज द रीजन? या ऑफ कोर्स, आई मीन आज जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देती हूं कि आई हैव सफर थ्रू डिप्रेशन फॉर 5 इयर्स और मे बी मोर. 5 साल एटलीस्ट मैं जब से मुझे पता चला कि मुझे डिप्रेशन था और बाइपोलर डिसऑर्डर मुझे साथ में था. और एक बार अगर आप को ये चीज़ें हो जाती है तो ज़िंदगी भर आपका साथ ही रहती हैं. फिर आप कैसे उससे निपटते हैं कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये एक पार्ट है मेरा. मैं कभी लो होंगी, कभी बहुत लो होंगी, बट यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट. और उसे जैसे यू नो आता है वो जिस तरह से धीरे धीरे वो अपने आप चला जाएगा, आप फिर से अपने हैप्पी जोन में वापस आ जाएंगे. लेकिन अगर आप फिर से जूझने लगे, सवाल करने लगे या परेशान करने लगी आपको, तो परेशानी होगी. सो अब मेरा हिस्सा बन गया है वो, तो अब आता है अपने आप मोमेंट्स आते हैं ऐसे जहाँ मैं फिर से बहुत लो हो जाती हूँ, 2-3 दिन होता है और फिर चला जाता है. सो एक मेहमान की तरह मैं उसे ट्रीट करती हूँ कि आया है इसको खूब खिला पिला के भेज दो. Okay, any advice you like to give the people who gone through this depression or how to overcome from it? यही एडवाइस है, द एक्सेप्टेंस. मेरे चैप्टर्स का नाम मैंने बहुत बहुत गहराई से रखा है बिकॉज वो बहुत मीनिंग करते हैं, बहुत बड़ा मीनिंग रखते हैं. जब आप एक्सेप्टेंस हो जाता है आपको किसी चीज़ को लेकर, तो आपकी सारी परेशानियाँ हल हो जाएंगी. जैसे आपको कोई घाव है, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको घाव है, तो अब आपका दिमाग चलेगा उस घाव को ठीक करने में या भरने में कि अब हाँ मुझे घाव है, अब ये इतना गहरा है या क्या है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है या मुझे ये दवाई लगानी है या वो दवाई लगानी है, अब ये ठीक हो जाएगा. लेकिन आपको घाव है और आप यही सोच रहे हैं कैसे हो गया, क्यों हो गया, किस लिए हो गया, कैसे हो गया, मुझे क्यों हुआ, ये हुआ, ये जो हज़ार सवाल जो क्यों क्या वाई जो आते हैं ना, उससे आपका घाव भरने में बहुत वक्त वेस्ट हो जाता है. बिकॉज अब आप उसको ठीक करने की नहीं सोच रहे हैं, अब आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ब्ला 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 ब्ला. तो जितना जल्दी आप उसे एक्सेप्ट करेंगे उतने ही जल्दी आप ठीक होने की तरफ अपना पहला कदम रखेंगे. कभी थोड़ा वक्त लगता है ठीक होने में, कभी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है. यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट. ज़िंदगी आपने इतनी सारी ज़िंदगी बिना डिप्रेशन के जी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सोल ने, आपकी बॉडी ने बेयर की हैं. आप इतने स्ट्रांग रहे हैं इतने दिन, तो अब जो इतने सालों की स्ट्रेंथ है आप कैसे 2 रातों में तो पूरी, आप यू नो जब कमज़ोरी आई तो 2 रातों में तो पूरी नहीं होगी. इतने सालों का वो मामला चलता आ रहा है, इतने सालों से आप में वो कमी है, तो वो कमी पूरी होने के लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा. कुआं जितना खाली होता है तो बारिश एक दिन में तो भर नहीं सकती उसे, धीरे 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 वो भरेगा. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंस इफ़ यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन. एक्सेप्ट इट, गो फॉर इट, उसका इलाज करवाइए, आप जाइए लोगों से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए,
डॉक्टर से मिलके दवाई लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उस वक्त जो इतनी हलचल मची होती है उसे सेटल करना, काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्लीज़ मैं ये सबसे कहूँगी कि आप थेरेपीज़ करिए, मेडिटेशन करिए। थेरेपीज़ कुछ नहीं होती, जस्ट डीप मेडिटेशंस होती हैं, आप उन्हें ज़रूर करें, क्योंकि डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सारे मेंटल स्ट्रेसेस कुछ नहीं होते हैं, बट एक तरह का ट्रॉमा होता है आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को, आपके सोल को। आपको ट्रॉमा क्यों होता है? सादी सादी बातों से ट्रॉमा होता है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपकी फैमिली ने आपको क्या कहा या क्या नहीं कहा, या आप आपके आसपास सराउंडिंग में आपके दोस्तों ने आपको बुली किया है, स्कूल में बुली किया है, ऐसी छोटी छोटी बातें बड़े इतने बड़े डिप्रेशन का कारण बनती है कि जो आपको जान लेने पर मजबूर कर देती है अपनी। सो जो लोग बुली करते हैं, मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि आप इतना छोटा ना सोचें, आपकी एक छोटी सी बुली किसी को जान लेने पर मजबूर कर सकती है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट दैट, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डेथ। सो वॉट एवर यू डू इन लाइफ, आई डोंट नो वॉट इज़ हर्टिंग यू, आई एम श्योर कुछ तो तुम्हारे अंदर भी दुख रहा होगा, इसलिए तुम दूसरों के साथ ऐसा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में है कि तुमको जो दुख मिला है वो तुम दूसरों को दोगे, या उस दुख को सुख में कन्वर्ट करके तुम दूसरों को दोगे और ख़ुद को दोगे। सो जस्ट बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर एक्ट, एंड जो गुजर रहे हैं डिप्रेशन से, मैं उनसे यही कहूँगी कि हकीकत समझने की कोशिश करिए, अपने आप से अवेयर होइए। जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपको छोटी छोटी बारीकियाँ अपने बारे में पता चलेंगी जो नॉर्मल ज़िंदगी में हमें नहीं पता होती, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी होती हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी परत भर गई है कि आपको बहुत तह तक जाना होगा, बहुत तहकीकात करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको शर्लक होम्स बनना पड़ेगा उसके लिए। तो जब जब वो सामने आएंगे, तो यू विल बी सरप्राइज, करे इतना छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा मेरी लाइफ में दुख था, बट वो छोटा सा जख्म अब इतना बड़ा हो गया। सो डोंट टेक इट ईजी, जस्ट गो फॉर इट एंड डू थिंग्स दैट रियली रियली मेक्स यू हैप्पी। जस्ट डू वॉट योर हार्ट सेज। अब दिल की सुन, इसीलिए मैंने सीरीज का नाम रखा है कि आप अपने दिल की सुनेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते, बिकॉज फिर आपका दुख भी आपके लिए खुशी बन जाएगा, बिकॉज आपको लगेगा अरे मैंने अपने दिल की सुन के ये किया, यू नो। सो यू विल नॉट बी ब्लेमिंग अदर पीपल। अब दिल की सुन इज मेनली बेसिकली ह्यूमन जो रियल सिचुएशंस जो डील करते हैं उसके ऊपर। वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर अनदर जॉनर आल्सो, लाइक कॉमेडी? Yeah, absolutely. Like the first season, we wanted to raise awareness about depression and the क्या चीज़ें होती है, क्या हरकतें हैं, क्या बातें होती हैं जो डिप्रेशन तक, क्या हमें बाइपोलर डिसऑर्डर या कोई भी मेंटल स्ट्रेस तक ले जाती हैं। बट सेकेंड सीजन जब हम अभी प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी अभी एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें थोड़ा जैसा है एज इट इज़ उसे दिखाना था, तो कभी आपको सीरियस लगेगा, कभी आपको कॉमेडी लगेगा। तो बाकी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, कुछ यस कॉमेडी फॉर श्योर, बिकॉज आई एम ऑल्सो टायर्ड बींग सो सैड ऑल द टाइम, इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ मी, स्पेशली लास्ट हमारा जो 6th चैप्टर है डिप्रेशन, उसने मुझसे बहुत कुछ लिया है। तो डेफिनेटली आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन कॉमेडी जॉनर। कॉमेडी है, थोड़ा ड्रामा तो हमारा है ही, बट थ्रिलर, सस्पेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप दिल की सुन में इतनी सारी चीज़ें, इट्स लाइक अ यूनिवर्सल कॉन्टेंट का घर कह सकते हो आप इसे, उसमें आप कुछ भी बना सकते हो जो दिल से रिलेटेड है, या यू नो एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर हार्ट। सो या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सम अदर जॉनर्स इन द सेकेंड सीजन। ओके, 6th चैप्टर तो आ चुका है, 7th चैप्टर के बारे में अगर कुछ थोड़ा बहुत बता सके तो, दर्शक बहुत ही उत्सुक है कि सेवन चैप्टर में क्या होगा अगर उसके बारे में थोड़ा कुछ सी सेवन चैप्टर इज अ फिनाले ऑफ द फर्स्ट सीजन इट्स जस्ट अबाउट अ स्माइल व्हाट अ स्माइल कैन डू हाउ अ स्माइल कैन चेंज योर होल वर्ल्ड एंड हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट टू स्माइल So yeah, 7th chapter. I wanted to leave people with a very positive note. Even chapter 6 is depression is dark, but in the end it is very, very positive. It gives hope, and that's what people are saying, like this was the best chapter so far. So last chapter I thought it would be nice if we left people smiling.
ओके अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे ये वेब सीरीज तो बहुत ही पसंद कर रहे हैं आपके, बट बहुत ही जल्द आप एक मूवी के साथ भी आने वाले हैं जो फन बेस्ड रहेगा, रोम कॉम टाइप कुछ है मूवी रही, क्या वो सही थी या रोम कॉम तो नहीं कहूंगी मैं ये कहूंगी कि इट्स अ वेरी फील हैप्पी फिल्म. इट विल मेक यू फील वेरी हैप्पी. लाइक व्हेन आई सॉ थ्री इडियट्स I came out with a big smile, you know, because that film just made me feel so happy. This is about life, and it's a very क्या बोलते हैं उसको आप, happy good film, ऐसा कुछ बोलते हैं ना वही. ओके आज सुबह ही मैम एक जो खबर आई थी इंडस्ट्री में, बहुत खुशी के लहर दौड़ गई है और किस किस के दिल भी टूट गए हैं क्या प्रियंका जी की सगाई हो चुकी है निक जॉनस के साथ, तो आपका क्या क्या थॉट्स है, क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा तहे दिल से, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत स्वीट हैं, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वो अगर आपकी ज़िंदगी में जुड़ जाए, आपके साथ पार्टनर बन जाए, तो इससे बड़ी खुशनसीबी और कुछ नहीं हो सकती. सो आई विश देम ऑल द लक एंड लव, एंड आई एम श्योर शी इज़ हैप्पी विद हिम एंड ही इज़ हैप्पी विद हर, एंड मे गॉड ब्लेस देम बोथ. Okay, finally, what do you like to say to your fans? Anything message? इतना तो बोल दिया मैंने. Special message, anything you like to give? I just want to tell you guys that I love you from the bottom of my soul, and thank you so much for loving me. A heartfelt thank you, actually, and a lot of gratitude, and thank you so much for watching Abdul Kisun, and keep watching and keep spreading love. It is helping a lot of people, and I hope and I wish that it helps the whole world. So thank you. Thank you. Thank you.